ठीक है, तो आज हम बात कर रहे हैं ई एस आई एक्ट, इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट एंड ऑफेंसिव ट्रेड्स के बारे में। ठीक है, ये आपके सिलेबस के पॉइंट्स थे। ई एस आई एक्ट जो है, इन जनरल आपको पता है कि ई एस आई एक्ट 1948 है, 1948 में स्टार्ट हुआ था। उसके बाद में इसमें डिफरेंट अमेंडमेंट्स हुई हैं। ठीक है, अमेंडमेंट्स आपकी अलग अलग टाइम पे हुई हैं। लाइक जो फर्स्ट थी अमेंडमेंट 1975 में हुई थी, उसके बाद आपकी 84 में थी, फिर 89 में, एंड उसके बाद में 2010 में। ठीक है, ये बेसिकली मेडिकल बेनिफिट और कैश बेनिफिट देने के लिए है जितने भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं। ठीक है, शुरुआत में जो दिया जाता था, जो भी कैश बेनिफिट्स था या जो ईएसआई के अंडर रजिस्टर थे, उसमें लेस देन 10,000 जिनकी मंथली सैलरी है वो इसके अंडर आते थे। लेकिन बाद में जो अमेंडमेंट हुई, उसमें 20 या 21,000 पर मंथ जिनकी इनकम मतलब इससे लेस है वो इसके अंडर आते हैं। डेली वेजेस पे काम करने वाले जो होते हैं वो 176 पर डे वाले जो है इससे ज़्यादा वाले हैं उनको इसमें काउंट किया जाता है। अगर इससे कम है तो उनको बेसिकली जो भी वर्कर्स हैं उनको अपना पार्ट, जो भी हमने बताया था कि इतना एक पर्टिकुलर पर्सन को पे करना होता है, तो उनको पे करने की नीड नहीं होती। इंट्रोडक्शन की बात करें तो जो एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट है, इन अमेंडमेंट्स मैंने आपको बता दी हैं, इंपॉर्टेंट मेजर ऑफ सोशल सिक्योरिटी एंड हेल्थ इंश्योरेंस इन द कंट्री। इट प्रोवाइड सर्टेन कैश एंड मेडिकल बेनिफिट्स टू द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयज इन केस ऑफ सिकनेस, मेटर्निटी एंड एम्प्लॉयमेंट इंजरी। एक्ट एक्सटेंड्स टू द होल इंडिया। ई एस आई एक्ट 1948 कवर्ड ऑल पावर यूजिंग फैक्ट्रीज अदर देन सीजनल फैक्ट्री वेयर इन 10 or more पर्सन वर एम्प्लॉयड। इसमें क्या क्या चीज़ें रहती हैं, बेसिकली बेनिफिशियल है, सोशल लेजिस्लेशन है, मेन एम है इकोनॉमिक सिक्योरिटी प्रोवाइड करना हु वर्क इन सर्टेन फैक्ट्रीज एंड एस्टेब्लिशमेंट ऐसे लोगों को। इट प्रोवाइड फॉर द पेमेंट ऑफ द बेनिफिट टू द वर्कर इन केस ऑफ सिकनेस, मेटर्निटी एंड इंजरी। या इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसके अंडर। कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करें तो पहले एम्प्लॉयर्स का शेयर होता था 4.75, प्रेजेंटली जो है वो 3.25 है। एम्प्लॉयज़ का शेयर था 1.75, अब 0.75 है। ठीक है, ये कॉन्ट्रीब्यूशन का रेट है। स्कोप की बात करें तो द प्रोविजन ऑफ ई एस आई एक्ट ऑफ 1975 और एक्सटेंडेड टू द फॉलोइंग न्यू क्लासेस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। पहले इंडस्ट्रीज के लिए थी, लेकिन 75 के बाद से ये जो नीचे सेक्शंस में मेंशन किए गए हैं ये भी इन्वॉल्व हैं ई एस आई एक्ट के अंडर। स्मॉल फैक्ट्रीज एम्प्लॉइंग 10 or more पर्सन, वेदर पावर इज यूज इन द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और नॉट। इनिशियली सिर्फ जो पावर यूज करते थे उन्हीं को इंक्लूड किया गया था, बाद में जो पावर यूज नहीं करते हैं उनको भी। शॉप्स हैं, होटल रेस्टोरेंट्स हैं, सिनेमाज एंड थिएटर्स हैं, रोड मोटर ट्रांसपोर्ट एस्टेब्लिशमेंट हैं, न्यूज़पेपर एस्टेब्लिशमेंट हैं, एंड देन स्कीम हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू द प्राइवेट मेडिकल एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एम्प्लॉइंग 20 or more पर्सन इन सम स्टेट्स। एडमिनिस्ट्रेशन की बात अगर हम करें तो एडमिनिस्ट्रेशन में बेसिकली जो यूनियन लेबर मिनिस्टर जो हैं वो चेयरमैन होते हैं, उसके बाद आपके यूनियन लेबर सेक्रेटरी वाइस चेयरमैन होते हैं, उसके बाद डायरेक्टर जनरल होते हैं, देन डीन, फाइनेंस कमिश्नर, मेडिकल कमिश्नर, इंश्योरेंस कमिश्नर, देन मेडिकल सुप्रिटेंडेंट्स हैं, उसके बाद ईएसआईसी मॉडल हॉस्पिटल्स हैं। इसके बाद अगर बात करें, इसका जो मेन सेंटर है दैट इज़ इन दिल्ली। उसके बाद इनके 23 रीजनल ऑफिसेज हैं, 37 सब रीजनल ऑफिसेज हैं, एट वन डिवीजन ऑफिस, टू कैंप ऑफिसेज, 627 ऑफ ब्रांच ऑफिसेज। ठीक है, इसके अलावा 185 कैश ऑफिसेज हैं, 422 इनके इंस्पेक्शन ऑफिसेज हैं ऑल ओवर द कंट्री। इसके अलावा बहुत सारी बेनिफिशरीज हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल्स इनके हैं। तो मेडिकल फैसिलिटीज़ की अगर बात करें तो 1450 ईएसआई डिस्पेंसरीज हैं। ठीक है, इसके अलावा 954 पैनल क्लिनिक्स हैं, 307 डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं, 151 ईएसआई हॉस्पिटल्स हैं, 42 हॉस्पिटल एग्जिस्ट ओवर 27,000 बेड्स। ठीक है, ये इनका बेसिक स्ट्रक्चर है। उसके बाद आते हैं बेनिफिट्स टू द एम्प्लॉयज़। अब एम्प्लॉयज़ को ईएसआई स्कीम के अंडर रजिस्टर करने से क्या उनका बेनिफिट्स होते हैं, तो फर्स्ट बेनिफिट की बात करें तो हेल्थ इंश्योरेंस है, तो आपका मेडिकल बेनिफिट्स है। ठीक है, तो मेडिकल बेनिफिट्स की अगर बात करें तो फुल मेडिकल केयर इंक्लूडिंग हॉस्पिटलाइजेशन फ्री ऑफ कॉस्ट टू द इंश्योर्ड पर्सन इन केस ऑफ सिकनेस, एम्प्लॉयमेंट इंजरी
एंड मेटर्निटी, इन सारी कंडीशंस में उनको हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं। इसमें ओपीडी केयर आता है, सप्लाई ऑफ द ड्रग्स ड्रेसिंग आता है, स्पेशलिस्ट सर्विसेज आता है, इसके अलावा पैथोलॉजिकल रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन है, डोमिसिलरी सर्विसेज हैं, ANC केयर है, मतलब इसमें एंटीनेटल भी, नेटल भी और पोस्ट नेटल भी, ये सारी सर्विसेज इसके अंडर आती हैं। इमरजेंसी सर्विसेज आती हैं, अगर इन पेशेंट ट्रीटमेंट अगर करना है तो वो ये सारे के सारे बेनिफिट्स जो हैं ESI एम्प्लॉयज को मिलते हैं। इसमें भी बेसिकली जो ESI हॉस्पिटल या डिस्पेंसरीज हैं वो काम करते हैं आइदर डायरेक्टली थ्रू द हॉस्पिटल्स या फिर इनडायरेक्टली, जैसे हमने इससे पहले बात की ना पैनल्स की, तो डायरेक्ट में क्या होता है कि जो भी एरियाज होते हैं जहाँ पे मोर देन 1000 एम्प्लॉयज काम करते हैं एक एरिया में, वहाँ पे आपकी डायरेक्टली ESI डिस्पेंसरीज होती हैं। लेकिन जहाँ पे 750 से कम होते हैं तो या फिर 1000 से कम होते हैं तो उन कंडीशन में आपके बेसिकली इनडायरेक्ट जो होता है जिसको हम पैनल सिस्टम बोलते हैं वो वहाँ पर अप्लाई होता है। तो ये आता है आपकी मेडिकल बेनिफिट्स में, ठीक है। इसके अलावा अदर मेडिकल बेनिफिट जो हमने अभी बात की, इसके अलावा डेंचर्स हैं, स्पेक्टिकल्स हैं, हियरिंग एड्स हैं, ठीक है, आर्टिफिशियल लिम्ब्स हैं या फिर वॉकिंग कैलिपर्स, हर्निया बेल्ट, ये भी अदर मेडिकल बेनिफिट्स में इनके आते हैं, ठीक है। ये बेसिक है आपका मेडिकल बेनिफिट्स का। कोस्ट की बात करें तो पर कैपिटा कोस्ट ऑफ मेडिकल बेनिफिट अंडर ESI स्कीम हैज़ बीन स्टेडली इंक्रीजिंग। पहले ये था 1961-62 की बात करें तो 23.79 रुपीज़ था, 2001-2002 की बात करें तो 905 था। एक्सपेंडिचर ऑन मेडिकल बेनिफिट वाज अप्रॉक्स 4058 करोड़ इन 2012 and 2013, ठीक है। इतने सारे जो ये फंडिंग थी या ये जो भी एक्सपेंसेस था ये ESI एम्प्लॉयज जो थे उनके ऊपर खर्च किया गया था। उसके बाद आता है सिकनेस बेनिफिट। फर्स्ट आपका मेडिकल बेनिफिट हो गया, उसके बाद आपका सिकनेस बेनिफिट आता है। इसमें बेसिकली पीरियोडिकल कैश पेमेंट टू एन इंश्योर्ड पर्सन इन केस ऑफ सिकनेस, इफ सिकनेस इज ड्यूली सर्टिफाइड बाय एन इंश्योरेंस मेडिकल ऑफिसर और इंश्योरेंस मेडिकल प्रैक्टिशनर, ठीक है। द बेनिफिट इज पेएबल फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 91 डेज इन एनी कॉन्टिन्यूस पीरियड ऑफ 365 डेज, ठीक है। तो इतना उनको पे किया जाता है जो भी सिक पर्सन्स होते हैं उनको। एक्सटेंडेड सिकनेस बेनिफिट भी दिया जाता है। 34 डिजीजेज जो हैं वो काउंट की गई हैं, वो इस सेक्शन में मेंशन की गई हैं जिनको हम एक्सटेंडेड सिकनेस बेनिफिट देते हैं। इन केस वेयर द इंश्योर्ड पर्सन हैज़ बीन कॉन्टिन्यूस एम्प्लॉयमेंट फॉर 2 years, अगर लगातार 2 साल तक जॉब में है तो उनको एक्सटेंडेड सिकनेस बेनिफिट मिलते हैं। इसमें ना बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं, स्पेसिफिकली 34 डिसऑर्डर्स उसमें मेंशन किए हैं, मैं एक बार जल्दी जल्दी से आपको बता देती हूँ। इन्फेक्शियस डिजीजेज में आपके TB है, लेप्रसी है, क्रॉनिक एम्फाइमा है, एड्स है, नियोप्लाज्मा में मेलिग्नेंट डिसऑर्डर्स है, एंडोक्राइन न्यूट्रिशनल मेटाबॉलिक में आपके डायबिटीज मेलाइटिस है विद प्रोलिफेरेटिव रेटिनोपैथी, डायबिटिक फुट एंड नेफ्रोपैथी। नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स में आपके मोनोप्लेजिया, हेमिप्लेजिया, पैराप्लेजिया, हेमीपैरासिस, इंट्राक्रेनियल स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन्स हैं, स्पाइनल कॉर्ड डिप्रेशन है, पार्किंसंस डिजीज है, मायस्थीनिया ग्रेविस है आपका, इमेच्योर कैटरेक्ट है, डिटैचमेंट ऑफ रेटिना है, ग्लूकोमा है। कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर में आपके कोरोनरी आर्टरी डिसऑर्डर्स में आपके यहाँ स्टेबल एंजाइना है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन है, कंजेस्टिव हार्ट फेल में राइट और लेफ्ट दोनों, इसके अलावा कार्डिक वाल्वुलर डिजीज हैं, कार्डियोमायोपैथीज हैं, हार्ट डिजीजेज हैं विद सर्जिकल इंटरवेंशन अगर नीड है तो, चेस्ट डिजीजेज हैं, चेस्ट डिजीज में आपके ब्रोंकियोएक्टेसिस हैं, इंटरस्टीशियल लंग डिजीजेज हैं, क्रॉनिक लंग डिसऑर्डर्स हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में सिरोसिस ऑफ लीवर है विद असाइटिस या फिर क्रॉनिक एक्टिव हेपेटाइटिस की कंडीशन है, ऑर्थोपेडिक में डिसलोकेशन ऑफ वर्टिब्रा है या फिर प्रोलैप्स ऑफ इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, नॉन यूनियन और डिलेड यूनियन ऑफ फ्रैक्चर है, पोस्ट ट्रॉमेटिक सर्जिकल एम्पुटेशन है, कंपाउंड फ्रैक्चर अगर है तो, ठीक है। उसके बाद साइकोसिस की बात करें तो उसमें सीजोफ्रीनिया, एंडोजीनस डिप्रेशन है, मैनिक डिप्रेशन है, डेमिनेशिया है, अदर्स में 20% से ज़्यादा अगर बर्न हो गया है विद इंजेक्शन और कॉम्प्लिकेशंस, क्रॉनिक रीनल फेलियर है, रेनॉल्ड्स डिजीज या फिर जो बर्जर्स डिजीज है, ये आपकी बेसिक डिसऑर्डर हैं जिनमें आपको एक्सटेंडेड सिकनेस बेनिफिट मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका मेटर्निटी बेनिफिट्स। मेटर्निटी बेनिफिट्स में बेसिकली क्या होता है, जो भी इंश्योर्ड वुमेन है अगर कन्फाइनमेंट या मिसकैरेज हो जाता है, सिकनेस अगर हो जाती है या फिर प्री मैच्योर जो चाइल्ड बर्थ है, ठीक है, उन कंडीशंस में भी जो कन्फाइनमेंट होती है बेसिकली अगर मिसकैरेज बेनिफिट इज 26 वीक फॉर
जो नॉर्मल रहता है, मिसकैरेज में 6 वीक्स होता है, ठीक है। उसके अलावा अगर सिकनेस अराइजिंग आउट ऑफ कन्फाइनमेंट है तो 30 डेज के अराउंड का उनको बेनिफिट मिलता है। इसके अलावा जो एक्सपेंसेस हैं उनको पहले 2500 था और बाद में 5000 पर कन्फाइनमेंट उनको पे किया जाता है, जो भी फीमेल्स हैं जो मेटर्निटी कंडीशन में हैं। उसके बाद आपका डिसेबलमेंट बेनिफिट आता है। डिसेबल बेनिफिट में बेसिकली जो भी फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट जो भी है वो प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, इन द इवेंट ऑफ टेम्पररी और परमानेंट डिसेबलमेंट डिसेबलमेंट एज अ रिजल्ट, ठीक है, दोनों कंडीशन में। इसके अलावा जो टेम्पररी डिसेबलमेंट बेनिफिट है इज अबाउट 90% ऑफ द वेजेस एज लॉन्ग एज द डिसेबलमेंट परसिस्ट, ठीक है। तो ये इसके बेनिफिट्स में डिसेबलमेंट के। उसके बाद है डिपेंडेंट बेनिफिट। डिपेंडेंट बेनिफिट में अगर डेथ हो जाती है, जैसे जो भी अर्निंग पर्सन है उसकी डेथ हो जाती है एम्प्लॉयमेंट इंजरी की वजह से, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो भी इंश्योर्ड पर्सन है उसके जो भी डिपेंडेंट्स हैं उनको पीरियोडिकल पेमेंट के लिए वो एलिजिबल होते हैं। पेंशन एट द रेट ऑफ 90% ऑफ द वेजेस इज पेएबल शेयर्ड बाय द डिपेंडेंट्स इन अ फिक्स्ड रेशियो ऑन मंथली बेसिस इन अकॉर्डेंस विद प्रिस्क्राइब्ड शेयर। इसके एलिजिबल क्या कौन कौन होते हैं? सन और डॉटर इज एंटाइटल्ड टू बी डिपेंडेंट बेनिफिट अप टू द एज ऑफ 18, ठीक है। इसके बाद अगर जो फीमेल है या जो डॉटर है इफ शी गॉट मैरिड तो उस कंडीशन में इवन अर्लियर देन दैट, तो फिर ये जो बेनिफिट्स हैं वो उससे विड्रॉ कर लिए जाते हैं। उसके बाद फ्यूनरल एक्सपेंसेस आते हैं। फ्यूनरल एक्सपेंसेस की बात करें तो उसमें कैश पेमेंट होती है। अब प्रेजेंट की बात करें तो नॉट एक्सीडिंग 10,000 रुपीज़ ये आपकी बेसिक बेनिफिट्स में है। उसके बाद रिहैबिलिटेशन बेनिफिट्स होते हैं, मंथली पेमेंट ऑफ ₹10, ये पुराना जो डाटा है उसके थ्रू आ रहा है कि जो इंश्योर्ड पर्सन है फैमिली मेंबर्स कंटिन्यू टू गेट मेडिकल ट्रीटमेंट आफ्टर परमानेंट डिसेबलमेंट और रिटायरमेंट, ठीक है। ये आपके बेसिक बेनिफिट्स हैं जो एम्प्लॉयज़ को मिलते हैं इस पर्टिकुलर स्कीम की वजह से। अब एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट मिले हैं तो एम्प्लॉयर को कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, तो उसमें है एग्जेम्पशन फ्रॉम द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द वर्कमैन्स कॉम्पनसेशन एक्ट 1923, ठीक है। तो जो वर्कर्स को जो कॉम्पनसेशन अलग से पे करना पड़ता था उससे एग्जेम्पशन हो जाता है। इसके अलावा मेटर्निटी बेनिफिट जो होते थे उससे एग्जेम्पशन मिल जाता है, एग्जेम्पशन फ्रॉम मेडिकल मेटर्निटी बेनिफिट एक्ट 1961, एग्जेम्पशन फ्रॉम द पेमेंट ऑफ मेडिकल अलाउंसेस टू द एम्प्लॉयज एंड डिपेंडेंट्स। इसके अलावा रिबेट अंडर इनकम टैक्स, कॉन्ट्रीब्यूशन डिपॉजिट इन ESI अकाउंट एंड हेल्दी वर्कफोर्स, ठीक है। अगर कॉन्टिन्यूस ऐसा रहता है तो उसकी वजह से आपका वर्किंग एनवायरमेंट अच्छा रहेगा और साथ में आपको ये सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। तो एम्प्लॉयज को भी बेनिफिट है, एम्प्लॉयर को भी बेनिफिट है ESI स्कीम से। उसके बाद आता है आपका राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना, ये भी ESI के अंडर ही आता है। ESI कॉर्पोरेशन लॉन्च्ड अ न्यू योजना फॉर द एम्प्लॉयज कवर्ड अंडर ESI। इसमें बेसिकली क्या होता है इस पर्टिकुलर स्कीम के अकॉर्डिंग कि जो भी जो वर्कर्स हैं बिकॉज ऑफ अननोन रीजन या इनवॉलेंट्री जो है उनके जो अनएम्प्लॉयड हो गए हैं उनको बेसिक जो वेजेस होते हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। इनवॉलेंट्री एम्प्लॉयड का मतलब, अनएम्प्लॉयड का मतलब है कि जैसे जिस फैक्ट्री में काम करते थे वो फैक्ट्री बंद हो गई या बिकॉज ऑफ एनी रीजन्स, लेकिन दैट वॉज नॉट इनवॉलेंट्री। तो ये स्कीम था, कम अंडर इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2005। डेली रेट ऑफ अनएम्प्लॉयड अलाउंसेस इज स्टैंडर्ड बेनिफिट रेट, ठीक है। स्टैंडर्ड बेनिफिट रेट आपका इन जनरल जो उसके वेजेस होते हैं उससे भी रिलेट कर सकते हैं, या फिर इन जनरल एक स्टैंडर्ड बेनिफिट रेट नॉर्मली डिसाइडेड होता है। जैसे कुछ लोगों को शायद नहीं पता होगा लेकिन जैसे पर्टिकुलर जो भी डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, ठीक है, वहाँ पे जो काम करने वाले होते हैं उनका एक DC रेट डिसाइडेड होता है, ठीक है। उससे कम में अगर उनको कोई भी एम्प्लॉयमेंट दे रहा है तो दैट इज बेसिकली एन ऑफेंस, ठीक है। तो वैसे ही हर एक वर्कर के लिए एक स्पेसिफिक जो रेट है वो डिसाइडेड होता है, दैट कम्स अंडर स्टैंडर्ड बेनिफिट रेट, और वो उसको पे किया जाता है ऑन कॉरस्पॉन्डिंग टू एवरेज डेली वेज ड्रॉन बाय द इंश्योर्ड पर्सन, ठीक है। लेकिन उसमें ये नेसेसरी है कि ये जो पर्टिकुलर अनएम्प्लॉयड पर्सन है ये ESI एक्ट के अंडर रजिस्टर होना चाहिए। ये आपका था ESI एक्ट। अब नेक्स्ट आता है द फैक्ट्री एक्ट 1948। द फैक्ट्री एक्ट 1948 का बेसिक क्या है कि इसने डिफाइन किया है कि फैक्ट्री क्या है, जो भी वर्कर्स की जो बेसिक नीड है उनको किस तरीके से फुलफिल किया जा सकता है, इन सब का डिस्क्रिप्शन इसमें है। द फर्स्ट इंडियन फैक्ट्री एक्ट डेट्स बैक इन 1881 व्हिच वाज रिवाइज्ड एंड अमेंडेड, लेटेस्ट बीइंग द फैक्ट्री एक्ट अमेंडेड इन 1987। दिस एक्ट डिफाइंस फैक्ट्री हेल्थ सेफ्टी एंड वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉयज।
स्कोप की बात करें तो इट डिफाइंस फैक्ट्री एज एन एस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग 10 और मोर वर्कर्स वेयर पावर इज यूज्ड और 20 और मोर वेयर पावर इज नॉट यूज्ड। यहाँ पे कोई डिस्टिंक्शन नहीं है बिटवीन पैरेनियल एंड सीजन जो फैक्ट्रीज होती है। 1976 अमेंडमेंट मॉडिफाइज द डेफिनेशन ऑफ द टर्म वर्कर, एक्ट अप्लाइज ऑन द होल कंट्री एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। इनिशियल से अभी प्रेजेंटली हो सकता है कुछ चेंजेस हुए हैं, बट अप टू 2018-19 देयर वाज नो एप्लीकेशन ऑफ फैक्ट्री एक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद बात करें हेल्थ सेफ्टी और वेलफेयर की, तो ये जो पर्टिकुलर जो फैक्ट्री एक्ट है इसमें फर्स्ट जो है आपका जो चैप्टर्स इनके थर्ड फोर्थ फिफ्थ ए फोर्थ ए एंड फिफ्थ इट एलेबरेट्स रिगार्डिंग हेल्थ सेफ्टी एंड वेलफेयर ऑफ द वर्कर्स। ठीक है, इन इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं कि जो भी उनका वर्क प्लेस है उसमें प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, लाइटनिंग प्रॉपर होनी चाहिए, कूल ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए, जो भी डस्ट फ्यूम्स वगैरह, जैसे इससे पहले हमने डिजीजेज और डिसऑर्डर्स पढ़े हैं तो वो पर्टिकुलर जो इश्यूज़ थे अगर उनको प्रॉपर हैंडल नहीं किया जाए तो उस कंडीशन में डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। तो इसीलिए प्रिवेंशन के लिए एलिमिनेशन ऑफ डस्ट फ्यूम्स हो गया आपका, सप्लाई ऑफ कूल ड्रिंकिंग वाटर है, टेम्परेचर कंट्रोल होना चाहिए क्योंकि हमने पढ़ा था ना कि हॉट और कोल्ड दोनों एनवायरमेंट में डिजीज हो जाती हैं। मिनिमम 500 क्यूबिक फीट स्पेस फॉर ईच वर्कर, 1948 में 350 क्यूबिक स्पेस था। उसके बाद 1976 का सेक्शन 40B प्रोवाइड अपॉइंटमेंट ऑफ द सेफ्टी ऑफिसर्स इन एवरी फैक्ट्री वेयर इन 1000 और मोर वर्कर्स आर देयर। इसके अलावा किसी भी फैक्ट्रीज में या किसी वर्किंग प्लेस में अगर 30 से ज़्यादा फीमेल्स हैं तो वहाँ पे जो बच्चों के लिए जो क्रैच होते हैं उनकी व्यवस्था होनी चाहिए। एम्प्लॉयमेंट ऑफ द यंग पर्सन, ये सारे स्पेसिफिक रूल्स आपके इसी जो फैक्ट्री एक्ट है उसी के अंडर आते हैं। इसमें बेसिकली प्रोहिबिटेड एम्प्लॉयमेंट बिलो 14 ईयर ऑफ एज, 15 टू 18 ईयर वाले जो हैं उनको हम अडोलेसेंट में काउंट करते हैं। उसमें जो स्पेसिफाइड सर्टिफाइंग सर्जन होता है वो उनको फिटनेस सर्टिफिकेट देता है लेकिन विद द रिस्ट्रिक्शन डेंजरस वर्क। टाइमिंग जो भी यंग होते हैं उनका 6 AM और 7 PM के बीच में होना चाहिए जो भी उसके वर्किंग आवर्स हैं। आवर्स ऑफ वर्क की बात करें तो 48 आवर्स पर वीक नॉट एक्सीडिंग 9 आवर्स पर डे विद रेस्ट ऑफ हाफ आवर आफ्टर 5 years of work। ये पहले था, अब जो presently है 1976 में जो था उसमें increase कर दिया गया, but not exceeding 60 hours per week। Leave with wages की बात करें तो weekly holidays रहती हैं along with leave with wages when a period of 12 months service is completed। इसमें सर्विसेज की अडल्ट की बात करें तो 1 day of leave per 20 days जो work, children की बात करें तो 1 day per 15 days of work। उसके बाद ऑक्यूपेशनल डिजीजेस की बात करें तो इस बेसिकली जो भी इससे पहले जितने भी हमने ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर्स पढ़े हैं वो स्पेसिफिक जो नोटिफाइबल डिसऑर्डर्स हैं या डिजीजेस हैं उनको हम कंसीडर करते हैं, उनको नोटिफाई करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग इनको मैनेज करते हैं। 1976 जो अमेंडमेंट्स थी उसमें बाइसिनोसिस, एस्बेस्टोसिस, ऑक्यूपेशनल डर्मेटाइटिस एंड नॉइस इंड्यूस हियरिंग लॉस अमोंग द लिस्ट ऑफ नोटिफाइबल डिजीजेस। ठीक है, उससे पहले ये जो डिजीज थी ये नोटिफाइबल डिजीज में नहीं आती थी। उसके बाद बात करें तो एम्प्लॉयमेंट इन हैजार्डस प्रोसेस, तो सेंट्रल गवर्नमेंट हैज इनकॉर्पोरेटेड अ सेपरेट चैप्टर 4A बाय द फैक्ट्री अमेंडमेंट एक्ट 1987 रिलेटिंग टू द हैजार्डस प्रोसेस। ठीक है, तो इसमें क्या स्पेसिफिक रिस्पांसिबिलिटी होती है जो भी ऑक्यूपायर है उसकी इन रिलेशन टू द हैजार्डस प्रोसेस, वेयर आल्सो मेड ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन सेफ्टी मैनेजमेंट। इनकी जो लिस्ट है वो फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द एक्ट में डिस्क्राइब की गई है। तो ये आपका बेसिक था जो फैक्ट्री एक्ट है उसमें बेसिक फैक्ट्री की डेफिनेशन इसमें बताई गई है। इसके अलावा क्या उसका स्कोप है, ये कौन से सेक्शंस उसमें इंक्लूडेड रहते हैं, क्या उसको बेनिफिट्स मिलते हैं, आवर्स ऑफ वर्क डिसाइड की गई हैं, एम्प्लॉयमेंट की जो स्पेसिफिक एज ग्रुप है वो डिसाइड की गई है, ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर्स के बारे में बताया गया है। तो ये आपका था द फैक्ट्री एक्ट। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं ऑफेंसिव ट्रेड। बेसिकली ऑफेंसिव ट्रेड या ऑक्यूपेशन में वो कंडीशंस आती हैं जिनमें एक तो जो पर्टिकुलर जो वर्कर्स होते हैं उनको हेल्थ हैजार्ड हो सकते हैं, इसके अलावा वो न्यूजियंस क्रिएटिंग होती है बेसिकली देखने में, स्मेल करने में, मतलब बेसिकली आपका साइट है, स्मेल है, जो भी आपके सेंसेस हैं, हियरिंग है, टच है, ठीक है, इन अकाउंट ऑफ मटीरियल या फिर जो प्रोसेस है उसके थ्रू ऐसे जो स्पेसिफिक होती है उनको हम ऑफेंसिव ट्रेड में काउंट करते हैं। इफेक्ट्स ऑन द हेल्थ में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट भी इफेक्ट हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है, इमीडिएट भी हो सकता है और डिलेड भी हो सकता है।
इट इज डिफाइंड अंडर द हेल्थ एक्ट 1956. एनी ट्रेड और बिजनेस मैन्युफैक्चरर अंडरटेकिंग फॉर टाइम बीइंग स्पेसिफाइड फॉर द थर्ड शेड्यूल टू दिस एक्ट सर्टेन ट्रेड्स टू बी सुपरवाइज बाय द सैनिटरी ऑफिशियल्स. सॉरी मैं एक चीज और बताना भूल गई. इससे पहले जो हमने लेजिस्लेशन में पढ़ा था ईएसआई एक्ट है आपका द फैक्ट्री एक्ट है. इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी हैं जो काउंट की गई हैं. कुछ और लेजिस्लेशन भी हैं जो एम्प्लॉयज के लिए या एम्प्लॉयमेंट के अंडर आती हैं. फैक्ट्री एक्ट 1948 आपने देख लिया. इसके अलावा एक है द डॉक वर्कर्स रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1948. एक है प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951. एक द माइनर्स एक्ट है 1952. मर्चेंट शिपिंग एक्ट है आपका 1958. इसके अलावा बीड़ी एंड सिगार वर्कर्स के लिए कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्ट है 1966 में. मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एक्ट है 1961. शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट है आपका एक. इसके अलावा सिनेमा वर्कर्स एंड सिनेमा थिएटर वर्कर्स जो एम्प्लॉयमेंट एक्ट है 1981. उसके बाद उसी का 1984 है. फिर उसके बाद सिने वर्कर्स वेलफेयर फंड एक्ट है एक 1981. ठीक है. इसके अलावा फीमेल्स के लिए स्पेसिफिक एक्ट है फॉर इक्वलिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ द वुमेन्स. उसमें आता है द मेटर्निटी बेनिफिट एक्ट 1961. इक्वल रीम्यूनरेशन एक्ट 1976. सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013. उसके बाद चिल्ड्रंस के लिए आता है द बॉन्डेड लेबर सिस्टम या एबॉलिशन एक्ट 1976. चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986. एंड लॉज रिलेटेड टू द सोशल सिक्योरिटीज आता है. उसमें आता है वर्कमेंस कॉम्पनसेशन एक्ट 1923. ईएसआई एक्ट 1948. एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड जो आता है जैसे जो पीएफ की हम बात करते हैं वो 1952 एंड द पेमेंट ऑफ ग्रैट्यूटी एक्ट 1972. ठीक है. तो जो ये मेन दो आपने लेजिस्लेशन पढ़े हैं जो एक्ट्स पढ़े हैं. इसके अलावा ये कुछ एक एक्ट्स और होते हैं जो आपके अलग तरीके से जो भी आपका वर्किंग एनवायरनमेंट या जो आपका ऑक्यूपेशन है उससे रिलेटेड रहते हैं. नाउ वी कम्स टू ऑफेंसिव ट्रेड एंड ऑक्यूपेशन. ठीक है. तो ऑफेंसिव ट्रेड और ऑक्यूपेशन में बेसिकली जैसे मैंने बताया कि जो स्पेसिफिक न्यूजियंस ऑफेंसिव वैल्यूज के होते हैं, न्यूजियंस क्रिएट करने वाले होते हैं विद द स्पेसिफिक साइट स्मेल आपका हियरिंग है टच है, तो ऐसे वाली कंडीशंस को हम ऑफेंसिव ट्रेड में काउंट करते हैं. ठीक है. ये जो ऑफेंसिव ट्रेड्स हैं इनमें स्पेसिफिकली जो भी सैनिटरी ऑफिसर्स होते हैं उनको इनको रेगुलरली मॉनिटर करना होता है. Environmental Health Division inspects and register offensive trades to ensure minimum standards of health are maintained and compliance with the relevant legislation achieved. Section 54 of the Health Act 1956 requires certificate of registration from the council in accordance with Health Regulation 1966, registration of the premises. ये जो कोई भी ऐसे ऑफेंसिव ट्रेड्स में जो काउंट होते हैं उनको अगर आपको एस्टैब्लिश करना है तो पहले जो भी स्टेट अथॉरिटीज़ हैं उनसे सर्टिफिकेट्स लेना होता है. इन केस अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो ये जो ऑफेंसिव ट्रेड है दीज कम्स अंडर एन ऑफेंस. ऑफेंसिव ट्रेड्स में इन जनरल बात करें तो कोई भी कंडीशन जैसे कुछ एक एग्जांपल्स हैं, इट इज़ नॉट नेसेसरी यही हो, इसके अलावा और भी हैं. ब्लड ट्रीटिंग है आपका, एनिमल स्लॉटरिंग है अदर देन ह्यूमन कंजप्शन, फ्लैक्स पल्पिंग है, बोन बॉइलिंग है, गट स्क्रैपिंग है, स्टोरेज ड्राइंग और प्रिजर्वेशन ऑफ बोन्स है, हाइड्स है, हूव्स है, स्किन है, कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ यूज्ड बॉटल्स फॉर सेल है, टैलो मेल्टिंग है, डैग क्रशिंग है, नाइट सॉइल कलेक्शन एंड डिस्पोजल है. हालांकि नाइट सॉइल कलेक्शन एंड डिस्पोजल प्रेजेंटली इट इज़ नॉट वर्किंग बाय बेसिकली नॉट डन बाय द ह्यूमंस, अभी मैकेनिकली होता है. लेकिन कुछ जगह पे जैसे कुछ एक जो रूरल है या फिर जो बहुत प्रॉपरली एस्टैब्लिश नहीं है वहाँ पे अभी भी नाइट सॉइल कलेक्शन जो है वो ह्यूमन से होता है. टैनिंग है, फेल मॉगरिंग है, वुड प्रोसेसिंग है, वुड पल्पिंग है, फिश क्लीनिंग एंड करिंग है, सेप्टिक टैंक एंड स्लज डिस्पोजल है. ये सारे आपके ऑफेंसिव ट्रेड्स के अंडर आते हैं. कुछ एक को जो स्पेसिफिक हैं उनमें क्या क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने होते हैं उनको हम आगे एक एक करके देखेंगे. जैसे फर्स्ट आता है एनिमल रेयरिंग या एनिमल कीपिंग, जो भी एनिमल्स को रखते हैं. तो बेसिकली इसमें न्यूजियंस तब क्रिएट होता है जब आप प्रॉपरली उनको वेंटिलेशन नहीं देते हैं, एक प्रॉपर प्लेस उनके लिए नहीं है. ठीक है. या फिर जो उनका एक्सक्रीटा है उसका डिस्पोजल का प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं है, उसको बैडली ड्रेन कर रहे हैं आप लोकेलिटीज़ में, दैट बिकम अ सोर्स न्यूजियंस.
ठीक है। इसके अलावा accumulation of dung and soaking of the soakage of urine, ये उसके अंडर आता है। इसमें sanitary measures में आप क्या कर सकते हैं, that sheds to be constructed properly, ताकि ventilation वहाँ पे proper हो और उसकी वजह से कोई भी issues create ना हो, तो इसलिए उनको properly बनाना चाहिए। एक खुला वो जो भी animals की shed होते हैं वो खुले हुए होने चाहिए, ठीक है। ventilation proper होना चाहिए, temperature control होना चाहिए, ठीक है। shed to be washed and cleaned daily, ताकि वो जो भी उनका एक्सक्रीटा है, जो भी यूरिन है, वो उसकी जो सॉकिंग हो रखी है उसको आप रिमूव कर सकें, तो उसकी वजह से जो साइट और स्मेल में न्यूजेंस क्रिएट हो रहा है उसको आप मैनेज कर सकें। इसके अलावा जो भी फूड्स हैं उनको इन प्रीवियस जो वेसल्स होते हैं उनमें आपको स्टोर करना चाहिए और प्रॉपरली कवर्ड रखना चाहिए। उसके बाद आता है एनिमल स्लॉटरिंग। एनिमल स्लॉटरिंग की बात करें तो अगर उसमें न्यूजेंस क्रिएशन की बात करें तो अगर जो डिजीज्ड एनिमल्स हैं अगर उनकी स्लॉटरिंग करते हैं तो उससे वो जो स्पेसिफिक डिजीज़ है उसके स्प्रेड होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। डर्टी वे ऑफ स्टोरेज ऑफ डीकम्पोज कार्केसेस एंड गार्बेज, अगर जो उसका डिस्पोजल है उसको आप प्रॉपरली मैनेज नहीं करते हैं तो उस कंडीशन में भी डिजीज क्रिएट होती हैं और एक अपीयरेंस भी उसकी खराब होती है, ठीक है। लार्ज कलेक्शन ऑफ अंडरगोइंग ब्यूटिफिकेशन एंड कंटिन्यूअल फ्लो ऑफ ब्लड यूरिन एंड फीकल मैटर, जितने भी स्लॉटर हाउसेज हैं उनके लिए स्पेसिफिक रूल्स बनाए गए हैं कि कहाँ कहाँ पे आप मतलब कितने किस एरिया में आप स्लॉटर हाउस एस्टैब्लिश कर सकते हैं, किस तरीके से आप उसका जो वेस्ट है उसको डिस्पोज करेंगे, तो ये स्पेसिफिक रूल्स उनके लिए बनाए हुए हैं, वो उनको फॉलो करने होते हैं। क्योंकि ये जितना भी जो ब्लड है, यूरिन है या फिर जो फ्लैश के पीसेज हैं, अगर वो यहाँ वहाँ डिस्पोज होते हैं, यहाँ वहाँ अगर वो फैले हुए मिलते हैं तो वो न्यूजेंस क्रिएट करते हैं, डिजीजेस कॉज करते हैं। सैनिटरी मेजर्स में क्या करना है, बेसिकली जो भी एस्टैब्लिशमेंट हैं, जो स्लॉटर हाउसेज हैं, कम से कम 100 feet दूर होने चाहिए रेजिडेंशियल एरिया से। पीछे अगर आप लोगों ने न्यूज़ में सुना होगा तो यूपी में एक थोड़ा सा डिस्कशन हुआ था इस पर, जब जितने भी स्लॉटर हाउसेस थे उनको मेन मार्केट जो है वहाँ से हटा के दूसरी जगह पे एस्टैब्लिश किया गया था, जिस पे काफ़ी बवाल हुआ था। बेसिकली दैट कम्स अंडर द सैनिटरी मेजर्स या फिर स्पेसिफिक रूल्स फॉर द एनिमल स्लॉटरिंग, ठीक है। इसके अलावा शुड ओपन टू द आउटसाइड एयर एट लीस्ट ऑन 2 sides फॉर द वेंटिलेशन। अबंडेंट वाटर सप्लाई होनी चाहिए, क्लीनिनेस प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा जो जैसे हमने जब फूड्स के बारे में पढ़ा था, डिफरेंट जो डाइटेटिक्स के बारे में पढ़ा था, तो जो बेसिक रूल्स वहाँ पे बताए गए थे वही यहाँ पे भी फॉलो करने होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका ब्लड बॉइलिंग। ब्लड बॉइलिंग की बात करें तो बेसिकली ब्लड बॉइलिंग जो है, जो ब्लड कलेक्टेड होता है वो आपके अलग अलग जो ये जैसे जो स्लॉटर हाउस है वहाँ से कलेक्ट होता है या फिर जितने भी अलग अलग सेक्शन से जहाँ से भी आप ब्लड कलेक्ट कर सकते हैं वो यूज़ होता है बेसिकली एल्ब्यूमिन की फॉर्मेशन के लिए, टर्की रेड पिगमेंट जो है उसके लिए, ब्लड मैन्योर बनाने के लिए, रिफाइनिंग शुगर के लिए, एंड ब्लड बॉइल्ड विद सल्फ्यूरिक एसिड किया जाता है, उसके बाद उसको ड्राई किया जाता है, एंड दिस स्मेल इज हाईली न्यूजिएटिंग, ठीक है। तो स्मेल गिव्स ऑफ ड्यूरिंग। सैनिटरी प्रिकॉशंस की बात करें तो इट शुड बी स्टोर्ड प्रॉपरली टू प्रिवेंट द एस्केप ऑफ ऑफेंसिव गैसेज, प्रॉपर अरेंजमेंट फॉर वॉशिंग, ड्रेनेज एंड फॉर कंडेंसेशन ऑफ द एस्केपिंग ऑफ द गैसेज, ठीक है। तो जो भी न्यूजेंस क्रिएट करने वाली चीज़ें हैं उन सबको हम इस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं। है आपका गट्स स्क्रैपिंग। गट स्क्रैपिंग जो है यूजुअली स्किन सॉसेज जो होते हैं या जो कैटगट होता है, कैटगट बेसिकली जो आप यूज़ करते हैं स्टिचिंग के लिए, ठीक है, उसको वो गट स्क्रैपिंग्स के थ्रू होता है तो उनमें यूज होता है। अब इसमें सैनिटरी मेजर्स में क्या कर सकते हैं, वॉल और फ्लोर जो है उसको नॉन अब्सॉर्बेंट मटेरियल से हमें बनाना है। इसके अलावा प्रॉपर ड्रेनेज वहाँ पे होनी चाहिए, प्रॉपर क्लीननेस होनी चाहिए, जितने भी टेबल्स हैं जहाँ पे भी वह काम हो रहा है वो सारी सारी मार्बल टॉप टेबल्स होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा इम्प्रॉपर और प्रोलॉन्ग स्टोरेज ऑफ एनीथिंग इट शुड बी अवॉइडेड, मतलब बेसिकली जो भी आप गट्स यूज कर रहे हैं, ठीक है, उनकी बहुत लंबे टाइम तक स्टोरेज नहीं करनी चाहिए। उसके बाद आता है बोन बॉइलिंग। बोन बॉइलिंग बेसिकली इसमें सैनिटरी मेजर्स की बात करें तो जो प्रेमिसेस हैं प्रॉपरली क्लीन होना चाहिए, जो भी रिफ्यूज़ है वहाँ पे कलेक्ट करना चाहिए, उसके बाद उसको रिमूव कर देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका जो मटेरियल है नॉट टू बी यूज्ड इमीडिएट शुड बी स्टोर्ड टू प्रिवेंट इफ्लुआ, ठीक है। लाइम वॉश जो है ट्वाइस इन ईयर करना चाहिए, स्टीम जैकेटेड सिलेंडर्स यूज करने चाहिए फॉर कंडेंसिंग जो वेपर्स होते हैं, जो वेपर जो एक फाउल स्मेल क्रिएट करती हैं, तो वो जो वेपर्स हैं उनको जो भी अगर स्टीम जैकेटेड सिलेंडर्स में कलेक्ट करते हैं तो उस कंडीशन में इनसे बचा जा सकता है।
उसके बाद आता है आपका फैट एंड टैलो मेल्टिंग. फैट एंड टैलो, टैलो बेसिकली हार्ड फैट होती है और एक नॉर्मल फैट है. यूजुअली यूज टू मेक कैंडल्स है, लेदर ड्रेसिंग्स है, सोप्स हैं, ठीक है, इन सब के बेसिकली इनकी फॉर्मेशन में हेल्प आउट करते हैं. अगर इनको प्रॉपरली स्टोर ना किया जाए या उसको रेजिड्यूअल को अगर स्टोर किया जाए, ये जो वेपर्स एस्केप करनी है बाहर से, तो अगर उन कंडीशंस को प्रॉपर नहीं मैनेज किया जाए तो ये सारे के सारे फाउल स्मेल क्रिएट करती हैं. इसके अलावा स्मेल के साथ साथ में इसकी जो अपियरेंस है वो भी न्यूजिएटिंग होती है. तो इसलिए इट इज़ हाईली नेसेसरी कि आप इसको प्रॉपरली मैनेज करें. उसके बाद फैल मॉन्गरिंग होती है. फैल मॉन्गरिंग बेसिकली है कि जो भी स्किन होती है आप उसको आइदर प्रोसेसिंग करने के बाद या फिर डायरेक्टली अगर आप उसको मतलब बेसिकली जो फैल वर्ड होता है वो स्किन के लिए यूज होता है और जो मॉन्गर्स होते हैं दैट इज फॉर द डीलर्स, ठीक है. तो जो फ्रेश या फिर जो ओल्ड स्किन्स हैं जो लेदर ड्रेसर्स को देने वाले होते हैं उनको उस पर्टिकुलर जो वर्किंग कैपेसिटी है उसको हम फैल मॉन्गरिंग बोलते हैं. इसमें बेसिकली क्या करना होता है कि जो फ्रेश स्किन होती है उसको बीट किया जाता है, ठीक है, उसके बाद उसकी जो डर्ट है उसको रिमूव किया जाता है, उसके बाद जो पानी के बड़े बड़े टैंक्स हैं उनमें उसको डिप करके रखा जाता है, फिर उसके हेयर्स को रिमूव किया जाता है, फिर उसको पेंट किया जाता है, ठीक है, फिर उसको जो स्लेक स्लाइम होता है और सोडियम सल्फाइड होता है, ठीक है, विच एक्ट एज डी जो डी एपिलेटर्स होते हैं डेपिलेटर्स, ठीक है, एज ए उसको रिमूव करने के बाद में, ठीक है, इन सारे प्रोसेस में बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स क्रिएट होता है क्योंकि ये एज पर अपियरेंस भी ख़राब होता है और वहाँ पे बहुत सारे जो उसके डेबरीज होती हैं उसकी वजह से डिजीज़ कॉजेटिंग भी होता है, ठीक है. उसके बाद आपका आता है टैनिंग. टैनिंग में बेसिकली क्या होता है, जो स्ट्रॉन्ग सोल्यूशंस होते हैं ऑफ नट गॉल्स एंड फोर्स्ड बाय द सोल्यूशन कंटेनिंग टैनिंग, ठीक है, तो उसमें इस प्रोसेस में डॉग्स डंक हो गया, पिजन्स डंक हो गया, ये यूज होता है टू रेंडर द स्किन सपल. इसमें बेसिकली परसेप्टेबल होते हैं हाइट्स और कन्वर्ट इनटू द नॉन प्यूट्रेसेबल एंड लेदर इज मैन्युफैक्चर्ड इस पर्टिकुलर प्रोसेस के थ्रू, ठीक है. तो ये इम्प्रॉपर होता है, कन्वीनियंस स्टोरेज ऑफ स्किन प्रॉपरली नहीं होती है, अनसेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजल ऑफ डर्ट फ्लैश एंड वाटर होता है. तो इसमें हम बेसिकली इन कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं कि जितना भी ऑफेंसिव मटीरियल है जो जो भी कलेक्टेड है उसको नॉन एब्जॉर्बेंट कवर्ड रिसेप्टिकल्स में आपको डालना होता है. इसके अलावा स्टोर्ड इन स्पेशल क्लोज्ड रूम वेंटिलेटेड बाय मींस ऑफ एयर शाफ्ट्स, ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है ऑयल मिल्स. ऑयल मिल्स की बात करें तो बेसिकली ये डिस्कम्फर्ट कॉजेटिव स्मेल ऑयल मिल्स में से आती रहती है. यूजुअली बुलॉक्स जो हैं बुल्स वहाँ पे यूज़ होते थे, अब प्रेजेंटली नहीं होते हैं ऑयल मिल्स में, अब सारा का सारा मशीनाइज्ड है, लेकिन कुछ जगह पे अभी भी होते हैं. तो जो भी रूम्स होते हैं इल वेंटिलेटेड होते हैं, फ्लोर भी प्रॉपर नहीं होता, पेवमेंट प्रॉपर नहीं होती है, सॉलिड और लिक्विड जो भी एक्सक्रीटा होता है एनिमल्स का वो भी फॉल्स मिल क्रिएट करता है. तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, मैकेनिकल पावर का यूज कर सकते हैं. बहुत सारी जगह पे भी मैकेनिकल पावर से यूज होती है. जो फ्लोर है उसको प्रॉपरली पेव्ड कर सकते हैं. इन प्रीवियस जो मटेरियल है उस पर आप सॉकिंग कर सकते हैं. वेंटिलेशन शुड बी इंक्रीज्ड इन द रूम, ठीक है, ये इसके बेसिक चीज़ें हैं. राइस मिल्स की बात करें तो जो भी राइस होता है, जो पैडी है, उसको मेटल जार्स में या सिलेंडर्स में स्टीम किया जाता है 10-15 मिनट्स के लिए. उसके बाद उसको निकाल के सॉक्ड इन अ लार्ज सीमेंटेड टैंक्स फॉर 24 to 36, ठीक है, अगेंस्ट इट इज सब्जेक्टेड टू अनदर प्रोसेस ऑफ स्टीमिंग. उसके बाद उसको ड्राई किया जाता है, फिर उसके बाद उसको डीहस्क किया जाता है, ठीक है. हालांकि अब डिफरेंट टाइप की मील्स हैं तो उनके अकॉर्डिंग इतना ज्यादा प्रोसेसिंग नहीं होती है. वाइल सोकिंग पैडी जो भी वाटर है उसको डार्क रेडिश ब्राउन हो जाता है, जिसमें प्यूट्रिफिकेशन हो जाती है और ऑफेंसिव स्मेल क्रिएट करता है. सैनिटरी मेजर्स में हम कर सकते हैं कि इट शुड वो नॉट बी अलाउड टू रन इन नॉर्मल जो भी आपका रिवर है, वाटर है, जो सॉरी ड्रेनेज सिस्टम है उसमें डायरेक्टली आपको नहीं डालना चाहिए. और जो हस्क और डस्ट है उसको पहले आपको रिमूव कर देना चाहिए. इस तरीके से आप इसको मेजर हैंडल कर सकते हैं. उसके बाद आता है आपका जो डस्टी ट्रेड्स की बात करें तो डस्टी में इससे पहले जब ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर्स हमने पढ़े थे उसमें हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जहाँ पे आपके ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक डस्ट हमने देखा था, जिसमें आपके लेड है, कॉपर है, आयरन है, सीमेंट है, जो लाइम वर्कर्स जो हैं, इसके अलावा ऑर्गेनिक में हमने जूट है, फ्लैक्स है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं जो कॉटन के साथ काम करने वाली होती हैं, इसके अलावा लेदर को डील करते हैं, सिल्क वूल कॉटन पेपर को हैंडल करते हैं, ड्रिलिंग कटिंग ऑफ स्टोन्स होती हैं,
ठीक है, तो ये सारे उसके अंडर आते हैं। इसमें कैसे मैनेज करना होता है बेसिकली कि इसमें जो भी डस्ट है उसको ऑयल की हेल्प से या वाटर की हेल्प से या स्टीम की हेल्प से आप उसकी अमाउंट को रिड्यूस कर दीजिए। इसके अलावा जहाँ पर रॉक ड्रिलिंग हो रही है या स्टोन की क्रशिंग हो रही है वहाँ पर आप वाटर स्प्रे कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा सक्शन फैंस और वेंटिलेशन का जो अरेंजमेंट है अगर वो प्रॉपर करते हैं जो डस्ट के ऑरिजिन की साइट है तो उस तरीके से भी हैंडल किया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा आपका पेपर मेकिंग है, पेपर मेकिंग की बात करें तो कॉटन या लिनन के जो रैग्स होते हैं या फिर वेस्ट पेपर है, स्ट्रॉज हैं, बैम्बूज हैं, ठीक है, इनको डस्टिंग की जाती है, उसके बाद स्मॉल पीसेज में कट किया जाता है, देन वॉश किया जाता है, उसके बाद दोबारा से ब्लीचिंग का प्रोसेस होता है। इसमें जो एल्कली वेस्ट होता है वो न्यूट्रिएंट्स क्रिएट करता है, ठीक है। इसमें मेजर्स में हम क्या कर सकते हैं कि जो भी एल्कलाई है उसको हम डायरेक्ट जो स्ट्रीम या जो नियरेस्ट जहाँ पे भी इनहैबिटेशन है वहाँ पे आप डायरेक्टली डिच ना करें, डायरेक्टली वहाँ पे पुट ना करें, तो इन कंडीशंस में आप ये जितने इनसे क्रिएट होने वाले जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको आप प्रिवेंट कर सकते हैं। थैंक यू। ये आपका बेसिक था ESI को लेके। इसके अलावा आपका जितना भी ऑफेंसिव ट्रेड्स हैं, आपका फैक्ट्री लॉ हैं, इन जनरल जितने भी लॉज हैं या एक्ट हैं जो आपके ऑक्यूपेशनल हेल्थ से रिलेटेड हैं वो सारा हमने डिस्कस कर लिया है।